नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील चौधरी, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मेरे स्टूडियो में राजेश भाई आए हुए हैं और जब मैंने कोटा तैयारी की थी तभी से मेरे फ्रेंड है। जो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये राजेश भाई हैं, जो धौलपुर के रहने वाले हैं और मैं आज इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। राजेश भाई, आपने नीट की प्रिपरेशन की, कौन से ईयर में आप कोटा गए थे? 2008। और आपने कौन सी कोचिंग में पहली बार एडमिशन लिया? एलन में। और आपने अभी लास्ट कब तक नीट का एग्जाम दिया? लास्ट 2020 तक। लगभग आपके 14 ड्रॉप हो चुके, तो 14 ड्रॉप में आपको सफलता नहीं मिली? सफलता ना मिले लेकिन सीख बहुत मिली है, नॉलेज भी बहुत गेन हुई है। तो ये सफल और असफलता के बीच में ऐसी क्या कमी रह गई जो आप असफल से सफल नहीं हो पाए? परफेक्ट ध्यान नहीं था मेरा। और जो स्टूडेंट आज देखो, हर लड़का जो 8th 9th में होता है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इसको डॉक्टर इंजीनियर कोटा भेज दिया जाए, तो उन स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपने 14 साल का समय कोटा में निकाला जो एक बहुत बड़ा समय है, तो क्या कमियां रह गई कि आप स्टूडेंटों को बताएं कि वो काम ना करें जिससे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जा सकें? फोकस ओनली एक ही टारगेट होना चाहिए, टारगेट एक होगा आपको सक्सेस मिलेगी। और इसके अलावा और भी काफी चीजें जो कोटा में डिस्ट्रैक्ट करती हैं? डिस्ट्रैक्ट ये है कि एक तो ज्यादा टाइम फ्रेंड सर्किल कम होनी चाहिए, कम से कम फ्रेंड सर्किल होनी चाहिए, जितना अकेला रहो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, और राजेश भाई जो ये समय गया इसका कितना पश्चाताप है आपको? समय का कोई पश्चाताप नहीं है, नॉलेज तो हमेशा काम आती है कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में। अच्छा अच्छा, तो आपने कोटा को बदलते हुए देखा है? बिल्कुल। जब आप पहली बार गए थे जब कोटा में क्या सिस्टम था और आज अभी लास्ट बार आए हो तो क्या सिस्टम है? बहुत परिवर्तन हुआ है कोटा के अंदर, डेवलपमेंट हर चीज में, एजुकेशन फील्ड में, हर फील्ड में कोचिंगों की संख्या बढ़ी है, नंबर ऑफ कोचिंग की बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई अब तो। और जब आप पहली बार गए थे जब नीट में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे और आज कितने करते हैं? पार्टिसिपेट तो लगभग पहले 1.5-2 लाख के आसपास पार्टिसिपेट करते थे, अब 18 लाख से 20 लाख के बीच, तो लगभग 9 गुना स्टूडेंटों की संख्या बढ़ी है, संख्या में सीटों में इंक्रीज हुई है। जब आप पहली बार गए थे 2008 में तब क्या कट ऑफ जाती थी नीट की? कट ऑफ से मतलब नहीं, पेपर टफ आता था तो कट ऑफ, फिर भी अप्रोक्स जनरल ओबीसी में कितने नंबर पर कॉलेज मिल जाता था? आपके फ्रेंडों को मिला भी होगा जिनके? लगभग जब मेंस होता था राइटिंग वाला तो 50% के मिल जाता था, और जब ऑप्शनल होने लगा तब 75 से ऊपर। अच्छा, मतलब उस टाइम भी थोड़ा सा कंपटीशन टफ था? बहुत कंपटीशन, उस समय सीटें 3000 रहती थी, आज 30,000 हैं। अच्छा, इस चीज का फर्क तो पड़ा है। तो राजेश भाई चलो, जो समय बीत गया उस पर आप ध्यान ना देके आगे अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार सफलता लगने में समय लगता है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और अपने टारगेट को अचीव करने में लगे रहना है। अब इसके बाद आपका आगे क्या प्लान है? आगे बस कॉलेज प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाइड करना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आपके लिए ऑल द बेस्ट है।